अयोध्यानाथ की श्री बागेश्वर धाम की सन्यासी जी बाबा की नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा पुरतो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनम्। माता रामो मत्पिता रामचन्द्रः स्वामी रामो मत सखा रामचन्द्रः सर्वस्व मे रामचन्द्रो दयालुर् नान्यं जाने नैव जाने न जाने। श्री तुलसीदास जी के पद कमल श्री तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाए गुण गावौं सिया राम के श्री हनुमत हो शाय। सियावर राम चंद्र की श्री बागेश्वर धाम की। प्रातस्मरण पूज सतगुरुदेव भगवान मुद मंगलमय संत समाज सभी पधारे हुए इस भारत भूमि के विद्वत महापुरुष पूज्य शास्त्री जी को नमन करते हुए हम आपका परम सौभाग्य हैं जनता जनार्दन के रूप में बैठे हुए परमात्मा सभी के हृदय में बैठे हुए परमात्मा को नमन करता हुआ आए अल्प अवधि में दो क्षण भगवान नाम उच्चारण किया जाए। इसके बाद भगवान की मंगलमयी छोटी सी चर्चा। श्री राम जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी मंगल भवन मंगल हारी मंगल भवन अमंगल हारी मंगल भवन दशरथ अजर बिहारी कवन शोकाज कठिन जग माही कौन शोकाज कठिन जग माही कवन शोकाज कठिन जग माही कौन शोकाज कठिन जग माही जो नहीं बागेश्वर धाम की जय हो। आज हम आपका परम सौभाग्य है। मैं आज अपने को कृतकृत मान रहा हूं। वहीं से दर्शन करता था दूरदर्शन पर आज सरकार ने अपने चरणों में बुला लिया। रीझत ही जाके
और रीझ जात प्रभु रामचंद्र और क्षण में पसीज जाती जननी श्री जानकी सहज उदार और त्रिपुरारी हूँ प्रसन्न होत देत जग जाचक को भक्ति भगवान की कृपा की जासो कृपा की जासो और रंग के राजेश बने बात यह साची नहीं नेक अनुमान की मंगल की सृष्टि करें और भाव रस वृष्टि करे इष्ट फल देवे दया दृष्टि हनुमान की इष्ट फल देवे दया दृष्टि हनुमान बोले हनुमान जी महाराज की। हम लोग आज हनुमत जयंती समारोह में सम्मिलित हुए हैं। आज परम सौभाग्य है हनुमान जी जैसा कोई श्रोता नहीं है और हनुमान जी जैसा कोई वक्ता नहीं है। महाराज हनुमान जी जैसा अभी आप हमारे शास्त्री जी के द्वारा श्रवण कर रहे थे कि जहाँ जहाँ भगवान की कथा होती है जहाँ जहाँ भगवान का कीर्तन होता है अरे महाराज हमें तो थोड़े समय के लिए भाव बनता है। अगर कोई भाव वाला प्रसंग आ गया कोई करुणा वाला प्रसंग आएगा तो हमारे आंखों में आंसू आ जाते हैं थोड़े समय के लिए झलक के लिए। लेकिन धन्य है हनुमान जी जैसा उन जैसा भाव यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तिकांजलिम जहाँ जहाँ भगवान की कथा होती है जहाँ जहाँ भगवान का कीर्तन होता है वहाँ भारत में देश विदेश में जहाँ भी कीर्तन भगवान की कथा हो रही है वहाँ हनुमान जी पधारे हैं किसी न किसी रूप में और हनुमान जी कथा को श्रवण कर रहे हैं। बताओ और ऐसे नहीं हनुमान जी नीचे को सिर डाले हैं और महाराज झरझर करके हनुमान जी के आंखों से आंसू गिर रहे हैं। ऐसे तो वो श्रोता है। बड़ी सुंदर एक बात आई जब राम जी साकेत धाम की तैयारी करने लगे तो हनुमान जी से कहा हनुमान जी हम जा रहे हैं अयोध्या वासी सभी जा रहे हैं क्या आप चलेंगे वहाँ साकेत धाम। हनुमान जी ने कहा प्रभु हम चलेंगे तो जरूर पर एक बात बताओ वहाँ आपकी कथा मिलेगी। राम जी बोले ना हम तो वहाँ मिलेंगे पर हमारी कथा नहीं मिलेगी। तो प्रभु जहाँ आपकी कथा नहीं वहाँ हम नहीं जा सकते जहाँ आपकी कथा होगी हम वहीं रहेंगे। भगवान ने आशीर्वाद दे दिया हनुमान जी तुम इसी धराधाम पर रहो और जब तक ये धरती रहेगी तब तक तुम रहोगे और हमारी कथा चलती रहेगी। ऐसा हनुमान जी को वरदान प्राप्त हुआ। और आप जानते हैं भगवान की कथा और भगवान की कथा जहाँ होने वाली हो ऐसी ऐसी विषम परिस्थिति आई। महाराज रामचरितमानस के पात्रों को आप उठा के देख लीजिए कोई भी ऐसा पात्र नहीं है जो मरने के लिए तैयार ना हो। मरने के लिए तैयार हैं चिता की तैयारी लग रही है इससे बढ़कर के दुख क्या हो सकता है। उसी समय महाराज उसे जलती हुई अग्नि में विरह की अग्नि में जो मरने की तैयारी लगा रहे हैं उनमें कथा शुरू हो गई। पहले पात्र में परम्बा भगवती जगत जननी सीता माँ का वर्णन आता है। सीता जी तिजटा से अग्नि मांग रही हैं और उसी समय तरुपल्लम में रहा लुकाई और बाबा कहते हैं बोले राम चंद्र गुण बरने लागा ओ सुनते हैं सीता
करी दुख भागा। मरने के लिए माँ तैयार है, रामचंद्र गुण बनने लगा, सुनते हैं सीता कर दुख भागा। सीता जी का दुख भाग गया। कहा भैया जिसने ये कथा सुनाई है वो वक्ता नीचे तो आ जाए, जरा हम उसका दर्शन करना चाहते हैं। तो ऊपर से आवाज आई, माँ कथा तो बहुत सुंदर है, श्रवणा मित्र जही कथा सुहाई, कही सो प्रकट होत किन भाई। जिसने इतनी सुंदर कथा को सुनाया है वो जरा हमें दर्शन तो दे दे। तो ऊपर से आवाज आई, माँ कथा तो सुंदर है पर सुनाने वाला बंदर है। और आप जानते हैं मैंने सुना है कौशल्या ने कहा था, सीए बन बसे तात के भांति, वो चित्र लिखित कपि देख डराती। तो सीता जी को बचाने वाली वो राम की कथा है, सुनाने वाले हनुमान जी हैं। और आप सब जानते हैं सीता जी को प्राण देने वाले हनुमान जी हैं। और दूसरे पात्र का वर्णन आप सब जानते हैं, राम बिरहे सागरों में, राम बिरहे सागर में, और भरत मगन मन हो तो, और विप्र रूप धर पवन सुत, आय जग गयो जन पोत। राम के बिरह में भरत जी और मगन हो रहे हैं, बिरह सागर में डूब रहे हैं, चिता की तैयारी लगा रहे हैं। उसी समय माने स्वयं हनुमान जी महाराज कथा को साथ लेकर के पहुंच जाते हैं। वो कहते हैं, जासु बिरह सोचो दिन राती, रटौरी निरंतर गुण गन पाती, सीता अनुज सहित प्रभु आवत, चहु दिस नारी दादी जस गावत। ए हनुमान जी ने खबर आई तो भरत जी बोले, ओ तुम तात ओ कहाँ ते आए, ओ मोहे परम प्रिय बचन सुनाए। आप कहाँ से आए हैं, ऐसे हनुमान जी महाराज हैं। और उन हनुमान जी का दर्शन मैं अपने शास्त्री जी के इस दिव्य दर्शन में करता हूँ। आज मानो हनुमान जी स्वयं इस भारत की धरती को, जहाँ मरने के लिए प्रत्येक प्राणी तैयार है, चिता से उठा उठा के सबको तैयार करते हैं। उत्तिष्ठत जागृत प्राप्त बरान्य बोधत, तुम लोग जाग जाओ, हिंदू राष्ट्र की संरचना करो, हमारे देश को हिंदू राष्ट्र घोषित करो। ऐसे हमारे शास्त्री जी का उद्घोष आज स्वयं हनुमान जी की कृपा के रूप में आपके सामने वर्ष रहा है। आज उन्हीं का दर्शन हम इनमें कर रहे हैं। बोलिए हनुमान जी महाराज की, बागेश्वर धाम की, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम। बोलिए बागेश्वर धाम की जय हो।